नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल और मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। मॉडिफाइड लॉकडाउन को प्रदेश में 20 तारीख से लागू किया जाएगा। इसी को देखते हुए सूबे के मुखिया ने तैयारी शुरू कर दी है। कुछ क्षेत्रों को छूट देने का ऐलान किया है, लेकिन कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक गाइडलाइन की पालना करना भी अनिवार्य होगा। एक तो पहले ही देश की अर्थव्यवस्था डावाडोल स्थिति में चल रही थी, ऐसे में कोरोना महामारी ने कोड में खाज का काम कर दिया, क्योंकि देशव्यापी लॉकडाउन के चलते देश भर में उद्योग धंधे ठप पड़ गए हैं। ऐसे में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने कर्फ्यू वाले इलाकों को छोड़कर शेष क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियां फिर से शुरू किए जाने की बात कही है। लेकिन फिर से कोरोना वायरस का प्रसार ना बढ़े, इसके लिए भी ये भी निर्देश दिए हैं कि इस दौरान सभी आवश्यक गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। इनमें मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मजदूरों को कार्यस्थल पर ही रखना या मालिक द्वारा उन्हें कार्यस्थल पर लाने ले जाने की व्यवस्था करवाना शामिल है। क्योंकि आर्थिक सलाहकार एवं राजस्थान ट्रांसफॉर्मेशन अध्यक्ष में गठित टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि संसाधनों और वित्तीय बाधाओं के चलते सरकार बेरोजगार लोगों को लंबे समय तक बैठाकर नहीं खिला सकती है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से राज्यों के लिए अभी तक भी बड़े पैकेज की घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू करना जरूरी हो जाता है, ताकि एक बड़ा वर्ग जल्द से जल्द कमाने और खर्च करने लायक बन सके। इससे ही राजस्व बढ़ सकेगा। क्या बोले सूबे के मुखिया? 20 अप्रैल से शुरू होने वाले मॉडिफाइड लॉकडाउन में प्रोटोकॉल पालन में कोई ढील नहीं। उद्योग धंधों और काम पर आने जाने के लिए दी जाएगी मूवमेंट में आर्थिक छूट। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप दी जाएगी छूट। 20 अप्रैल से इन्हें मिलेगी सशर्त छूट। कृषि, पशुपालन, डेयरी संबंधी उत्पादन इकाइयां, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, खनन, पेट्रोकेमिकल और केमिकल इकाइयां, आवश्यक फार्मा मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट उद्योग और पर्यटन, इन क्षेत्रों को फिलहाल राहत नहीं। लघु उद्योग, ऑटो और ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री, गैर जरूरी दवाई निर्माता कंपनियां, सैलून, शैक्षणिक संस्थाएं और सर्विस सेक्टर।